In previous video, we have done question number 1 to 5 of worksheet 2 of chapter 5. Now, today I have to start question number 6. Question number 6 of chapter 5, worksheet 2. The question is, a dinner set was bought for ₹2,464. After getting a discount of 12% on its marked price, find the marked price of the dinner set. Here, SP of the dinner set is given. Here, question says that dinner set was bought for ₹2,464. Bought means aap keh sakte hain ki sir, ye toh CP hua. Lekin this is CP for the customer. And it is SP for the shopkeeper. So SP for the shopkeeper, that is SP for shopkeeper. Because shopkeeper ही हमें discount दे रहा है, तो वो जो जिस पैसे में हमें बेच रहा है, उतने में हम खरीद रहे हैं, तो ये 2,464 ये हमारा SP हुआ shopkeeper के लिए. तो SP for the shopkeeper is given. And discount percent is given. Discount percent, that is 12%. Now we have to find out mark price, that means MP. All of you know the formula of MP. MP is equal to SP into 100 by 100 minus discount percent. Substitute the values of SP and discount percent. We get here SP is 2,464 into 100 by 100 minus 12, discount percent is 12, that is equal to 2,464 multiplied by 100. पहले minus कर ले, पहले बताया हम कि इसको आप पहले solve कर लेंगे, 100 minus 12, that is 88. अब इसको simplify करें, 11 से cancel करें, 11 8 जा 88, इसको 11 से, 11 2 जा 22, फिर 2, फिर 11 2 जा 22, 4 बचा, 4 11 4 जा, फिर इसको हम चाहे तो 4 से, 4 2 जा 8, 4 से इसको भी, 4 5 जा 20 और फिर 24, 4 6 जा, फिर 2 से इसको और कैंसिल किए तो 228, दैट कम्स आउट 2800 रुपीस 2800. देन व्हाट इज द फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द डिनर सेट. तो आंसर इज Mark price of the dinner set is 2,800. Mark price of the dinner set is 2,800. Now, question number 7. The mark price of a computer is rupees 22,000. After allowing a discount of 10%, a dealer still makes a profit of 20%. Find the cost price of a computer. Here, MP of the computer is given, that means mark price is given. MP, that is equal to rupees 22,000 and discount percent is given. Discount percent is 10% and profit percent is also given. Profit percent, that is equal to 20%. Now we have to calculate cost price, CP. देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमको पता है फार्मूला, हम पीछे पड़े हुए हैं. कॉस्ट प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस जरूरी है. एसपी और प्रॉफिट अगर मालूम हो तो हम कॉस्ट प्राइस का फार्मूला जानते हैं. तो यहां हमें सेलिंग प्राइस नहीं मालूम है, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड कर सकते हैं. उसके लिए आपको अभी भी आप पढ़े कि सेलिंग प्राइस का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एमपी एंड डिस्काउंट परसेंट. तो एमपी और डिस्काउंट परसेंट से सबसे पहले हम एसपी निकाल लें और उस एसपी से हम सीपी निकाल लेंगे. तो सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज एमपी इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ मार्क प्राइस इज 22,000 एंड 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज 10% बाय 100. हो गया 22,000 इंटू 100 माइनस ए 10, 90 बाई 100,
जीरो जीरो कैंसिल हो गया दो, अब मल्टीप्लाई कर लें, 9 2 18, 9 2 18 और 119 और दो जीरो और आ गया, तो सेलिंग प्राइस आ गया एसपी इज इक्वल टू 19,800। ये हमें सेलिंग प्राइस पता चला, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो सीपी का फार्मूला अब हम जानते हैं, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। फार्मूला देखिए, हम पहले बोले थे आप याद रखेंगे फार्मूला तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फार्मूला याद है तो आपका 50% वर्क ऐसे ही हो जाएगा। तो अब सेलिंग प्राइस का वैल्यू बैठा दें, 19,800 मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखिए दैट इज इक्वल टू 19,800 इंटू 100 बाई 120। या जीरो जीरो कैंसिल हो गया, फोर से कैंसिल कर दीजिए, 4 3 12 और 4 4 16, 4 9 36 और 4 5 ये आ गया। अब 3 से कैंसिल हो सकता है, तो 3 1 3 और 3 6 18, 3 5 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 16500। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज ₹16,500। नाउ क्वेश्चन नंबर एट इज द मार्क प्राइस ऑफ ए डबल बेड इज ₹9,575। A shopkeeper allows a discount of 12% and still gain 10%. Find the cost price of the double bed. Same question हुआ, देखिए एकदम अभी जो question 7 number question बनाए हैं वैसा ही है। Mark price is given 9,575 and discount percent is given. Discount percent is 12% and gain percent is also given. Gain percent that is equal to 10%. You have to find out cost price CP, that is question mark. तो वही CP निकालने के लिए SP find करेंगे, तो SP के लिए MP और discount percent पता है, एकदम same question, question number 7. SP is equal to MP into 100 minus discount percent by 100. Formula लिखे और value बैठा दिए, देखिए 9575 into 100 minus 12 by 100. अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9575 इंटू 100 माइनस 12 88 बाई 100, तो 5 से कैंसिल किए, 5 2 10 0, इसको भी 5 से, 5 1 5 4 बचा, 5 9 45 फिर 5 1 5 5 5 जा, फिर 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 4 20 5 3 15 और 5 8 जा और 5 3 जा, अब फिर 4 से इसको कैंसिल कर दिए, 4 2 8 4 2 8 दैट कम्स आउट 383 इंटू 22। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए, देखिए 383 इंटू 22, 2 3 6 2 8 16 2 3 6 और 17, तो यही चीज़ इसमें भी आएगा, तो ये आ गया 6 6 6 12 4 और ये 8, तो ये आ गया दैट इज इक्वल टू 8426 रुपीज, दैट इज एसपी। अब एसपी मालूम हो गया तो अब सीपी निकाल लेंगे, फार्मूला लगा देंगे, देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू, फार्मूला लिखे एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट, गेन परसेंट में प्लस है, अगर लॉस होता तो माइनस, एसपी की वैल्यू रख लें 8426 इंटू 100 बाई 100 प्लस गेन परसेंट 10 है, 10 रख दिए, 8426 इंटू 100 बाई 110, एक जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको 11 से डिवाइड कर दें, 11 7 77 और 7 बचा, 11 6 66 फिर 11 6 तो आ गया 7660, तो 7660 कॉस्ट प्राइस ऑफ द डबल बेड इज रुपीज 7660। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन क्वेश्चन नंबर 9
A dealer buys a bicycle for ₹1,250 and marks it at 40% above its cost price. If he allows 8% discount, find selling price of the bicycle and profit percent. Here, a dealer buys a bicycle for ₹1,250. So, CP of the bicycle is given ₹1,250 and marks it at 40% above its cost price. तो कॉस्ट प्राइस से 40% एबव जो है मार्क प्राइस उसने मार्क किया एंड इफ ही अलाउज 8% डिस्काउंट तो डिस्काउंट परसेंट इज आल्सो गिवन डिस्काउंट परसेंट दैट इज इक्वल टू 8% एंड एमपी दैट इज इक्वल टू 40% एबव कॉस्ट प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है उसका 40% बढ़ाकर मार्क किया तो पहले हम 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकाल लें और उसमें ऐड कर दें तब हमारा एमपी आ जाएगा वो मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस कह सकते हैं तो एमपी निकालने के लिए पहले जो है 40% निकाल लें तो 40% ऑफ ₹1,250 तो 40/100 इंटू 1,250 इक्वल टू ₹500 आया तो MP इज इक्वल टू दोनों प्लस कर लिए 1,250 प्लस 500 दैट इज इक्वल टू 1,750 ये मार्क प्राइस आ गया ₹1,750 अब डिस्काउंट हमें मालूम है तो हम निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू फार्मूला आपको बताया गया है MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 हियर मार्क प्राइस इज 1,750 इंटू 100 माइनस 8 बाय 100 दैट इज इक्वल टू 1,750 इंटू इसको माइनस कर लिए आ गया 92 बाय 100 जीरो जीरो कैंसिल 5 से 5 टू जा 10 और 5 3 जा 15 5 5 जा और फिर 2 से इसको 2 4 जा 8 2 6 जा 12 दैट कम्स आउट 35 इंटू 46 अब 35 और 46 को मल्टीप्लाई कर लिए 46 मल्टीप्लाइड बाई 35 56 जा 30 54 जा 20 और 3 23 36 जा 18 34 जा 12 और 1 13 0 ये आ गया दैट इज इक्वल टू ₹1,610 दैट इज सेलिंग प्राइस Now we have to calculate profit percent. So profit percent that is equal to profit by CP into 100. So profit is equal to SP minus CP. तो पहले हम profit निकाल लिए. तो profit is equal to देखिए यहाँ पे profit is equal to SP. SP आया 1,610 माइनस सीपी है 1,250 अब इसको माइनस कर लिए 0 माइनस 0 0 11 माइनस 5 6 यहाँ 5 माइनस 2 3 तो 360 रुपीज का प्रॉफिट है प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट बाय सीपी 1,250 इंटू 100 0 0 कैंसिल 5 से 5 टू 10 5 5 जा और 5 टू जा फिर 5 से 5 5 जा 25, 57 जा 35, 52 जा 10. अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कैंसिल नहीं होगा तो 144 बाय 5 या इसको डिवाइड कर लीजिए आप 52 जा 10, 58 जा 40 और पॉइंट 58 जा तो 28.8% का प्रॉफिट हुआ या इसको कह सकते हैं 28 होल 4 बाय 5 Now question number 10. Priti allows 8% discount on the mark price of the suits and still makes a profit of 15%. If her gain over the sale of a suit is ₹156, find the mark price of the suit. Here discount percent is given.
देखिए डिस्काउंट परसेंट दैट इज इक्वल टू 8% एंड प्रॉफिट परसेंट इज गिवेन, प्रॉफिट परसेंट दैट इज इक्वल टू 15% एंड टोटल गेन इज गिवेन, गेन इज इक्वल टू रुपीज 156। तो यहां देखिए प्रॉफिट परसेंट दिया है और गेन दिया है, मतलब ये दोनों चीजें एक ही हैं, एक परसेंटेज में दिया है और एक डायरेक्ट दिया है। तो हम जो है, जैसे हम जानते हैं प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू जो है आप निकालते हैं अगर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी। तो जैसे ये आपको पता है फॉर्मूला कि प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, तो यहां प्रॉफिट आपको पता है, ये गेन को ही प्रॉफिट बोलते हैं, तो प्रॉफिट है 156 और प्रॉफिट परसेंट भी पता है 15% मीन्स 15/100 और इनटू सीपी, सीपी नहीं पता है तो सीपी रहने थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू 156 इनटू 100/15, 5 से कैंसिल किए, 5 3 15, 5 से ये 5 2 10 20 आ गया, 3 से इसको 3 5 15 और 3 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए आ गया रुपीज 1040 रुपीज। ये हमारा कॉस्ट प्राइस मालूम हो गया। देखिए कॉस्ट प्राइस हम निकाल लिए, इसको ध्यान देना है कि प्रॉफिट आपको मालूम है, प्रॉफिट परसेंट दोनों को इक्वेट कर लिए, प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला जानते हैं प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, तो इससे आपको सीपी मालूम हो गया। तो सीपी से आप एसपी निकाल सकते हैं, एसपी इक्वल टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी आपको पता है 1040 और प्लस प्रॉफिट भी पता है 156, दोनों को प्लस कर दिए तो 6 अरे 549 और 11, तो रुपीज 1196 ये एसपी आ गया। एसपी मालूम, अब डिस्काउंट परसेंट मालूम, आपको मार्क प्राइस निकालना है, तो एमपी इज इक्वल टू फार्मूला रखें एसपी इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, वैल्यू बैठा दें 1196 इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इज 8%, इसको सिंप्लीफाई किए 1196 इंटू 100/ ये आ गया आपका 92। अब इसको 2 से कैंसिल किए, 2 4 8, 2 6 12, इसको 2 5 से, फिर 2 से 225। अब ये नहीं हो पा रहा है तो 1196 को 23 से डिवाइड करके देखें, 1196 डिवाइडेड बाय 23 तो 2 4 और 2 5, तो 5 बार में ज़्यादा हो सकता है, या देख लेते हैं 2 5 तो 5 3 15, 5 2 10 और 1, ठीक है तो ये आ गया और 2 तो 52 बार में कैंसिल हो गया, तो इसको कैंसिल कर दिए 52, तो दैट कम्स आउट 52 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब 52 को 25 से मल्टीप्लाई कर लिए, देखिए 52 मल्टीप्लाइड बाई 25 0 10 और 3 ये तो आ गया, दैट इज इक्वल टू रुपीज 1300। देयरफॉर मार्क प्राइस ऑफ द सूट इज रुपीज 1300।